नमस्कार गुरु भाइयों, गुरु बहनों, आज का प्रश्न है परम शांति क्या है, परम शांति का अनुभव कैसे होता है। एक छोटे से उदाहरण से हम शुरू करेंगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हो तो आप सोचोगे चलो मैं यहाँ घूम के आते हैं, चलो ये खाना खाते हैं, चलो इधर होटल में जाते हैं, ये करते वो करते, तो आप क्या पाते हो कि जब तक एक दो घंटे के लिए आप बाहर घूमो फिरो तब तक आपको लगेगा हाँ बहुत शांति है, बहुत शांति है, और जैसे ही वापस घर पहुँचे, वापस घर का रसोई में काम शुरू हो गया, बर्तन ये पड़ा है वो पड़ा है, तो ये आपका हो गया वापस अशांत मन हो गया आपका। तो ये तो ना कोई ऐसी चीज़ है जो शाश्वत है, वो कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम के लिए नहीं है, तो ये परम शांति तो नहीं है। तो फिर परम शांति कैसे प्राप्त होगी? परम शांति सद्गुरु महाराज की शरण में ही प्राप्त हो सकती है। अभी ये परम शांति कैसे मिलती है और कहाँ होती है? जो शांति बाहर से हम सोचते हैं, जो खुशी बाहर से हम सोचते हैं कि मुझे मिलती है, वो सिर्फ कम समय के लिए होती है। जैसे कि नई कार ले ली, नया घर ले लिया, तो कुछ देर तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर अभी उस थोड़े दिन बाद जब हमारा वापस टेंशन शुरू हो जाएगा वापस, तो ये घर भी फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा कि अरे यार घर तो ले लिया पर शांति नहीं मिल रही है। तो इसी वजह से सद्गुरु महाराज बोलते हैं कि परम शांति की खोज में निकलो। परम शांति की खोज कैसे करेंगे? जब तक आत्मा का परिचय न हो, जब तक आपको अंदर से एक आवाज़ ना आए कि अभी बाहर दौड़ना बंद कर, अभी अंदर की तरफ तू मुड़ जा, तो सारी चेतना जो बाहर जा रही है वो चेतना धीरे धीरे अंदर मुड़ना शुरू करती है। मन बहिर्मुखीता मन अंदर अंतर्मुखी हो जाता है। अभी जब मन अंतर्मुखी होता है तो क्या महसूस होता है? तो यह महसूस होता है कि आप अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने अंदर के वातावरण में ध्यान दे रहे हो, आप मन बुद्धि चित्त अहंकार के जानकार हो गए हो, और फिर आपकी बाहर की दुनिया में परेशानियाँ आती है, दुख आए सुख आए कुछ भी हो, आपको ना तो उससे कोई प्रॉब्लम रहती है, ना तो आप उससे कोई लगाव रखते हो, और वो अपने आप आके चला जाता है। तो तादात्म्य होता है, वो टूट जाता है, और ये ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है वो सद्गुरु महाराज की शरण में ही मिल सकता है, और सद्गुरु महाराज की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये तो बहुत ऊंची बात है। तो परम शांति के लिए सद्गुरु जी कैसे होने चाहिए? एक छोटे से उदाहरण से हम ये बात समझते हैं। एक नदी है और आपको नदी क्रॉस करना नहीं पता, आपको नहीं तैरना भी नहीं आता, अभी कैसे आप एक पार से दूसरे पार जाओगे? तीन लोग वहाँ पे खड़े हैं, तीनों बोल रहे कि मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। पहला है वो अंधा है पर वो चल पा रहा है, दूसरा है वो सब देख रहा है पर वो चल नहीं पा रहा है, और तीसरा है वो सब पता है उसको, वो चल भी सकता है वो देख भी सकता है। तो हमें अपने सामान्य बुद्धि से पता है कि हमें तीसरे के पास ही जाना चाहिए, पहला और दूसरा वो हमें कभी नहीं पहुंचा सकता। तो ये जो बात है वो बहुत ही बड़ी बात है। सद्गुरु ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ शास्त्रों के जानकार हो तो भी आपके काम के नहीं है, सिर्फ वो तंत्र मंत्र जानते हो, विद्या जानते हो तो भी हमारे काम के नहीं है। जो सद्गुरु ब्रह्मज्ञानी और तत्वदर्शी है, जो शास्त्रों के भी जानकार है, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, और जो परमात्मा स्वरूप में एकाकार करके पूर्ण पुरुष है, तो उस सद्गुरु की शरण में जब जाते हो, जो हमारे सद्गुरु मस्त दादूराम बापू महाराज है। तो भाइयों और बहनों, जो परम शांति की बात मैं कर रही हूँ, वो परम शांति का अनुभव अगर आपको करना है तो कृपया करके हमारे सद्गुरु जी मस्त दादूराम बापू की शरण में आइए। ये चैलेंज है मेरी, आप सब लोगों से मेरी चैलेंज है कि एक बार आप प्रेमधारा आश्रम चनवाड़ा की भूमि पर, पवित्र भूमि पर कदम रखें, और आप महसूस करें कि क्या शांति जो मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो मेरे अंदर ही मुझे मिल गई, और हमारे सद्गुरु महाराज आपको ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पे लगा देंगे कि ये परम शांति आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी और आपको परमात्मा साक्षात्कार करा कर ही रहेगी। जय सच्चिदानंद।